हम तो बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। नेक्स्ट भी न्यूज जो है वो मैं रॉबर्ट स्पेंसर की ही है, जो यूएस से आ रही है, तो हम उस पर भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि पागल हो गई है वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, बिल्कुल पागल हो गई है। जस्ट बिकॉज और अंडर ह्यूमन राइट्स एंड दिस इज राइट, दिस इज देयर राइट, दैट इज देयर राइट, लाइक व्हाट इज दिस। हाँ, मगर राइट विंग से कोई कुछ बोल देता है तो उसके ऊपर फौरन शुरू हो जाते हैं। अच्छा, टैम्पा मॉस्क इवेंट टू फीचर वन एंटी सेमेटिक इमाम एंड अनदर हु सपोर्ट्स शरिया पनिशमेंट। तो टैम्पा फ्लोरिडा यूएस की जो जगह है, वहां पर एक मस्जिद में एक दो इमाम को बुलाया है, एक जो है वो यहूदियों के अगेंस्ट बोलता है, एंटी सेमेटिक है, और दूसरा जो शरिया को सपोर्ट करता है। तो उनकी मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ, बड़ी नूरानी चेहरे हैं इनके, इतने नूरानी चेहरे हैं कि मुझे देखा ही नहीं जा रहा, दिल कर रहा है कि उल्टी कर लूं। तो ये दो वो इमाम है जिनको बुलाया गया है, ऐसे लोगों को कैसे आने दिया जा रहा है इस मुल्क में, आई हैव नो आइडिया। तो स्टोनिंग यानी जो जिना करता है उनको स्टोनिंग, उनको पत्थर मार मार के मार दो, और जो होमोसेक्सुअल्स हैं, गेज हैं, जो उनको भी मार दो, और जो ज्यूज हैं, यहूदियों को के साथ जो नफरत करनी है, ये सारे जो हैं शरिया के स्टैंडर्ड। तो इसमें यहाँ लिखा है स्टोनिंग एडल्टर्स इज नॉट एक्सट्रीमिस्ट्स, इट्स इस्लामिक लॉ, यानी कि जो जिना करता है उनको पत्थर मार मार के मारना एक्सट्रीम नहीं है, ये इस्लाम का लॉ है। और ये उमर वन ऑफ मोहम्मद क्लोजेस्ट कंपेनियन इवन मेंटेन दैट इन ओरिजिनल कुरान। तो ये तो चीज है कि उमर जी जो थे उन्होंने ये मेंटेन करा था और दिखाया था। तो यहाँ पे कहा गया है कि Umar said, I am afraid that a long time has passed, people may say, we do not find the verse of Rajam, shooting, stoning to death, in the holy book. And consequently, they may go astray by leaving the leaving an obligation that Allah has revealed. Confirm that the penalty of Rajam be inflicted on whom who commit illegal sexual intercourse, if he is already married and the crime is proved by witness or pregnancy or confession. Sufyan added, I have memorized this narration in this way. Umar added, surely Allah's apostle carried out the penalty of Rajam and so did we after him. तो इसमें उमर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो है स्टोनिंग रजम की जो चीज है ये वर्सेस में कहीं नहीं मिल रही है, तो उन्होंने दोबारा से डाला कि भाई ये वर्सेस में डालिए कि रजम की जो है ये होनी चाहिए रसम, कोई अगर मैंने कोई जिना कर रहा है। तो इसमें दूसरी हदीत है, यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर है। Another hadith from Muhammad specifying the punishment for homosexual activity. The messenger of Allah, peace be upon him, blah, 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 said, whoever you find doing the action of people of Lut, execute the ones who did it and the ones whom it is done. So, ye bhi hai, ye kaha ki Sunan Abu Dawood 4462 mein likha hai ki jo aap kahin pe bhi jahan par aapko wo log mile hain jo qaum-e Lut jaisi harkatein kar rahe hain, to usko bhi maro, और जिसके साथ क्या है उसे भी मारो, यानी सिर्फ एक को नहीं दोनों को मार दो, ये कहाँ का इंसाफ है, आई हैव नो आइडिया। सो अच्छा, फिर और ज्यूज के लिए, एंड एज फॉर ज्यूज, ज्यूज इन द कुरान आर कॉल्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल पीपल इन एनमिटी टुवर्ड्स द मुस्लिम्स, यानी कि मुसलमानों से ज्यादा नफरत जो है उन्हीं को है। दे फैब्रिकेट थिंग्स एंड फॉल्सली एस्क्राइब टू अल्लाह, क्लेम अल्लाह पावर इज अनलिमिटेड। तो इसमें बहुत सारी हदीसें हैं जो ज्यूज के बारे में हैं, हदीसें हो गई, आयतें हो गई, भरे पड़े हैं कुरान। अच्छा, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, टू इमाम्स हु हैव प्रीच्ड हेट्रेड टू ज्यूज एंड एडवोकेटेड फॉर स्टोनिंग ऑफ एडल्टर्स होमोसेक्सुअल आर सेड टू स्पीक, यानी ये दोनों जो है ये होमोसेक्सुअल्स को मारने की बातें करते हैं, जिना खोरों को मारने की बातें करते हैं, और इनको टैम्पा मॉस में आने की इजाजत मिल गई वीकेंड पे। The double feature of Islamic hostility will take place on August 26th and 27th, जो हो चुका है, as a part of an Islamic family and youth conference. तो ये कोई जगह कोई चीज ये करवा रहे थे Islamic family and youth conference के नाम से, जो organize की है Islamic community of Tampa ने, और ये इमाम को schedule किया था कि ये यहाँ पर आए और ये speak करें, is scheduled to speak at the event. और अच्छा, इनके नाम क्या है, उस्मान इब्ने फारूक of California based
वन फाउंडेशन और दूसरे का नाम है इमाम करीम अबू जैद, फाउंडर ऑफ द कोलोराडो मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर एंड द सलाहुद्दीन फ्यूचर अकेडमी बेस्ड इन न्यू जर्सी. अच्छा दोनों बाहर रहते हैं, दोनों यूएस में रह रहे हैं, ऐसे व्यूज रख के. वाह जी वाह, भाई यूएस तरक्की कर रहा है. अच्छा तो इसमें लिखा हुआ है कि दोनों इमाम की वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि इन्होंने इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करते हैं, एंटी सेमिटिज्म को सपोर्ट करते हैं, गेज के ऊपर जो है हॉस्टिलिटी दिखाते हैं और जनरल एंटी वेस्टर्न है ये. वाह जी वाह जी वाह, वेस्ट में बैठ के उन्हीं का पैसा खाओ हराम का, वहीं पे आके अपनी तबलीग करो और उन्हीं के अगेंस्ट बात करो. ये सही है वेस्ट. और हमारे बेचारे वो कौन था, स्नोडन को तुम लोगों ने उठा के भेज दिया ट्रेटर कह के, बेचारे वो जूलियन असांज को ट्रेटर बना के उसको तुम लोगों ने जेल में रखा है, और ये ट्रेटर जो तुम्हारे मुल्क में बैठे हुए तुम्हीं को गालियां दे रहे होते हैं इनको बिठाया हुआ है, शर्म कर लो कुछ. अच्छा तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो करीम अबू जैद है इनकी वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो है वो 2011 तक जाती है, कैन बी फाउंड ऑन हिज यूट्यूब चैनल पे जिसपे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. अच्छा तो ये यहाँ पर इनकी डिफरेंट डिटेल्स है, मैं आपको ये लिंक दे दूंगी, इसमें देख लीजिएगा. इट इज जस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोविड के दौरान अबू जैद ने यूट्यूब पे गए थे और अपने फॉलोअर्स को वार्न किया था कि कोरोना की ओरिजिन्स के कहाँ से आया कोरोना, और जिसमें ये कह रहे थे विच बिलीव इज डिवाइन पनिशमेंट ऑन वेस्ट एंगेजिंग होमोसे. तो ये कोरोना जब आया था तो इन्होंने कहा था कि ये कोरोना इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर हमें पनिशमेंट मिल रही है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि यहाँ है होमोसेक्सुअलिटी और जिना बहुत ज्यादा हो रहा है ना, इस वजह से यहाँ कोरोना आया था. लेटर ये एडवाइस कॉन्ग्रीगेंट्स एट सर्मन अगेंस्ट वोटिंग फॉर द कोलोराडो गुबरनेशनल कैंडिडेट. अच्छा हाँ, तो इसने किसी और कैंडिडेट जो गे है उसके ऊपर बोला था कि इसको वोट ना दो क्योंकि ये गे है. यानी हाउ इज दिस गाय स्टिल हियर, हाउ इज दिस गाय स्टिल हियर, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से इनको रखा हुआ है इन्होंने. खैर इट्स अ वेरी बिग आर्टिकल, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं. आई जस्ट थिंक इट्स रिडिकुलस कि ऐसे लोगों को अभी तक यूएस ने अपने घरों में बिठाया हुआ है, इनको लात मार के निकाल लो, तुम लोगों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, नथिंग गुड विल कम आउट ऑफ इट. ओके Nothing good will come out of it. अच्छा आगे चले, होली कितनी न्यूज है आज, सो मच स्टफ, ये सारा मैंने आप लोगों के लिए गैदर करके रखा हुआ है. गाइज डोंट फॉरगेट यू कैन ऑलवेज सपोर्ट बाय सेंडिंग सुपर चैट्स, फेसबुक मैंने बंद ही कर दिया है अब. ओके ओके ये हमने कवर कर ली, वाली भी कवर कर ली, वाली भी कवर कर ली, दिस वन ऑल्सो वी वेंट थ्रू. And इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है. आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है.